हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि अब इंडियन मार्केट में वीवो कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन वीवो V30 को लॉन्च किया है, जो कि कंपनी का एक बढ़िया स्मार्टफोन है। लेकिन दोस्तों, अब इसी स्मार्टफोन की टक्कर में नथिंग कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन नथिंग फोन 2A को लॉन्च कर दिया है। तो ये दोनों ही स्मार्टफोन काफी बढ़िया स्मार्टफोन है और इनके अंदर आपको काफी बढ़िया और अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइस के अंदर आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताएंगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा, किस स्मार्टफोन के अंदर आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलेंगे और आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप भी एक बढ़िया और अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो में एंड तक, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे इन दोनों ही स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन के साथ। तो दोस्तों, अगर बात की जाए वीवो V30 स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको सेंटर कंसोल कटआउट वाली कार्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इस स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको ड्यूल रियर कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जिसके नीचे की साइड आपको ओरा LED फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। इसके साथ ही स्मार्टफोन अंदर आपको इसके साइड में दो वॉल्यूम रोकर और एक पावर बटन देखने को मिलता है। देखने में स्मार्टफोन काफी बढ़िया और अच्छा स्लिम लाइट वेट स्मार्टफोन है। वही अगर दोस्तों नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन के बारे में बात करें, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने इसके बैक साइड में आपको ड्यूल रियर कैमरा सेंसर प्रोवाइड कराए हैं और इसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंट बैक पैनल फिनिश देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसके अंदर आपको अलग अलग अलर्ट LED लाइट्स भी देखने को मिल जाती है, जिससे इसके अंदर आपको काफी बढ़िया और अच्छा अट्रैक्टिव लुक मिलता है। इस स्मार्टफोन के साइड में भी आपको दो वॉल्यूम रोकर और एक पावर बटन देखने को मिलता है, जबकि दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको सेंटर कंसोल कटआउट वाली फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो दोस्तों, लुक और डिजाइन के मामले में स्मार्टफोन भी काफी बढ़िया है। इसका लुक और इसके डिजाइन भी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। बाकी दोस्तों, अगर इन दोनों ही स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात करें, तो दोस्तों Vivo V30 स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 6.78 इंच की फुल HD डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ आती है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 6.7 इंच की फुल HD OLED डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है, जो कि फ्लैट डिजाइन के साथ आती है। उसके अंदर भी आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलता है और यह स्मार्टफोन 1300 नीट्स पीक ब्राइटनेस के सपोर्ट के साथ आता है। तो दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको डिस्प्ले लगभग एक ही साइज की देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों Vivo V30 स्मार्टफोन अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इसके अंदर आपको कलर पिक्सल्स वगैरह भी काफी बढ़िया नजर आने वाले हैं, जबकि दोस्तों नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन अंदर भी आपको डिस्प्ले काफी बढ़िया देखने को मिलती है और इसके साथ ही दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों बात की जाए इन दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर के बारे में, तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको ड्यूल रियर कैमरा सेंसर मिलते हैं। Vivo V30 स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने इसके बैक साइड में दोनों ही कैमरा सेंसर 50 मेगापिक्सल के प्रोवाइड कराए हैं और इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि दोस्तों नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन अंदर भी आपको रियर दोनों ही कैमरा सेंसर 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं और इसके अंदर आपको सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है। तो दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन के रियर कैमरा के अंदर आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, दोनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको 50 मेगापिक्सल के रियर कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं, जिनसे दोस्तों आप बढ़िया और अच्छी हाई क्वालिटी की पिक्चर्स आदि को कैप्चर कर सकते हैं और इनसे आप 4K वीडियो को भी शूट कर सकते हैं। जबकि दोस्तों फ्रंट कैमरा के मामले में Vivo V30 स्मार्टफोन आगे रहेगा। इसके अंदर आपको सेल्फी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का मिलता है, जिससे आप इस स्मार्टफोन से काफी हाई क्वालिटी की सेल्फी आदि को कैप्चर कर सकते हैं और वीडियो कॉलिंग आदि कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन अंदर भी आपको सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जिससे आप इस स्मार्टफोन से भी काफी बढ़िया और अच्छी पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इन दोनों ही स्मार्टफोन की रैम और इनके स्टोरेज के बारे में बात करें, तो दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन को कंपनी ने मार्केट में 8GB और 12GB रैम के वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिनके साथ आपको 128GB और 256GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन की रैम को आप 8GB तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको मार्केट में दो दो वेरिएंट में मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों अब की बार इन दोनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको न्यू चिपसेट देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों Vivo V30 स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का चिपसेट प्रोवाइड कराया है और यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है, जबकि दोस्तों नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रो का चिपसेट प्रोवाइड कराया है और यह स्मार्टफोन भी एंड्रॉइड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको की बार प्रोसेसर काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 कंपनी का एक लेटेस्ट 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड चिपसेट है,
है जो कि आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। वहीं दोस्तों नथिंग फोन 2A स्मार्ट में भी आपको मीडियाटेक का एक बढ़िया और अच्छा 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन ज्यादा बढ़िया हो सकता है। और दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में बात करें तो दोस्तों वीवो V30 स्मार्टफोन में आपको कंपनी ने 80 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000 mAh की पावरफुल बैटरी प्रोवाइड कराई है, जबकि दोस्तों नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन में आपको 45 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो दोस्तों बैटरी के मामले में तो दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल सिमिलर रहेंगे, लेकिन दोस्तों फास्ट चार्जर के मामले में वीवो V30 स्मार्टफोन ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको 80 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जिससे आपका स्मार्टफोन काफी बढ़िया और अच्छा फास्ट चार्जिंग होने वाला है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको काफी सारे फीचर्स के अंदर कुछ कुछ ही डिफरेंस मिलता है और काफी सारे फीचर्स इनके अंदर आपको सिमिलर भी मिलते हैं, जैसे इनकी बैटरी और रियर कैमरा आपको बिल्कुल सिमिलर मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइस के अंदर आपको काफी ज्यादा डिफरेंस मिलता है, क्योंकि दोस्तों नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन आपको लगभग 24,000 रुपए में मिल जाएगा, जबकि वीवो V30 स्मार्टफोन का शुरुआती वेरिएंट लगभग 34,000 रुपए के आसपास लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों अगर आप एक बढ़िया और अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों मेरी नजर में आपके लिए नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी दोस्तों आपको इनमें कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।